इतनी दिक्कतें चालू हो गई, ना पिकअप ना एवरेज, मतलब क्या बताऊं, इतना परेशान हो गया। झटके वटके मार रही होगी सब, खूब एडवांसर नहीं लगवाना चाहिए बिल्कुल भी। मैं चाहूंगा कि ना हर बंदा 2-4 हज़ार रुपए के लालच में किसी और के पास ना जाए, जो भी भाई के पास आए, ताकि जो मैं बेवकूफ बना, जो मैं बेवकूफ बना कोई और ना बन पाए। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आपने मुझे अक्सर मेरी हर वीडियो में ये कहते सुना होगा कि सीएनजी किट के ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन होता है किस तरह से उसकी इंस्टॉलेशन की गई है और इंस्टॉलेशन होने के बाद उसकी ट्यूनिंग किस तरह से की है। अगर इंस्टॉलेशन और ट्यूनिंग अच्छी तरह से नहीं की गई तो आप किसी भी ब्रांड की सीएनजी किट लगा लो, कुछ भी लगा लो अपनी गाड़ी में, गाड़ी आपकी सीएनजी पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो आज की ये वीडियो एक बेस्ट एग्जांपल होने वाली है इस बात के लिए। ये है किया की सोनेट 2021 का ये मॉडल है और मात्र 3 दिन पहले इसमें कहीं और से सीएनजी किट इंस्टॉल हुई थी। 30 अप्रैल को इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल हुई थी और आज है 3 मई। मैं आपको दिखाता हूँ आज की डेट, तो आज है 3 मई, अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली। तो मात्र 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ये गाड़ी जहाँ से फिटिंग हुई है वहाँ से हटके आज ही हमारे पास आई है। ये गाड़ी वेस्ट दिल्ली के किसी सीएनजी सेंटर पे इंस्टॉल की गई है, मगर जो गाड़ी के ओनर हैं वो गाड़ी की ना ही इंस्टॉलेशन से सेटिस्फाइड थे और ना ही वहाँ के जो स्टाफ थे उनकी बातचीत से सेटिस्फाइड थे और ना ही गाड़ी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है कि इस गाड़ी में जो इंस्टॉलेशन हुई हुई थी वो पहले किस तरह की हुई हुई थी, एक बार आप देख लो कि किस तरह का काम इस गाड़ी में किया गया है। आज ये हमारे पास एक किया सोनेट आई है और इसमें 30 अप्रैल को सीएनजी लगी है, आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो 30/4/2024, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही सीएनजी लगी है कहीं और से। और फिटिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ना ही इसमें कोई फिल्टर लगाया है, 8 इंजेक्टर वाली किट लगाई है। ईसीएम देखें आप कैसे टंगा हुआ है, वायरिंग आप देख सकते हैं किस तरह से हुई हुई है सारी, एक रेल यहाँ लगाई है, एक रेल यहाँ लगाई है, आप देख सकते हैं होल कहाँ किए हैं, 4 होल इस साइड हैं, 4 होल उस साइड हैं। बहुत ही बकवास काम इस गाड़ी में किया गया है, ना ही कोई एडवांसर लगाया गया है। आज हम इसमें डायनामिक एडवांसर लगा रहे हैं, साथ में पूरी इंस्टॉलेशन दोबारा से अपने स्टाइल से करेंगे। तो एक नज़र आप डालो कि किस तरह का काम मार्केट में आपको मिल रहा है। चंद पैसे बचाने के लिए कस्टमर कहीं से भी काम करा लेता है और उसके बाद परेशान होता है, तो इट्स बेटर कि आप एक ही बार में अच्छी जगह से काम कराएं, भले ही 2 पैसे आपके फालतू खर्च हो जाएं, मगर काम की क्वालिटी वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो अब हम इस गाड़ी में काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने जो फिटिंग की है दोबारा से वो किस तरह से है, और एक बार फिर ओनर का फीडबैक लेंगे कि भाई अब उनकी गाड़ी कैसी चल रही है। इस टाइम तो बहुत ही बकवास चल रही है, दे झटके, बहुत परेशान है ये। तो आज हमारे पास ये गाड़ी आई, हमने इस गाड़ी में देखा कि इंस्टॉलेशन बहुत ही बुरी कंडीशन में हुई हुई थी और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मिसिंग थी। देखिए इस गाड़ी में हमने जो काम किया वो दिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। ये बातें मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, मगर बहुत से लोग या तो वो वीडियो देख नहीं पाते या उनसे चूक जाती हैं वो बातें। देखिए ब्रांड डजंट मैटर, अगर आपने अपनी गाड़ी में अच्छे से फिटिंग कराई हो और अच्छे से फिटिंग होने के बाद उसकी ट्यूनिंग अच्छे से हुई हो। सेकेंडली बहुत से लोगों के दिमाग में क्या कंसर्न रहता है कि भाई मुझे अपनी गाड़ी में सीएनजी लगानी है, सबसे सस्ती कहाँ लगेगी। देखो सस्ती जहाँ होगी ना वहाँ कुछ ना कुछ कमी होगी। आप एक एग्जांपल पकड़ लो, अगर मैं आपको एक बोलूँ कि भाई 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है 15 प्रो और मैं आपको वो 75,000 रुपये का दे दूंगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि भाई कैसे दे सकता है, कि कहीं इसकी बैटरी तो ख़राब नहीं है, कहीं इसका ये बैक कवर तो चेंज नहीं है, या पैनल तो चेंज नहीं है, या इसकी स्क्रीन तो लोकल नहीं है, 75,000 रुपये का कैसे दे सकता, कहीं ये चोरी का तो नहीं है, तो आपके दिमाग में हज़ारों सवाल आएंगे। अब ये गाड़ी है, लाखों की एक गाड़ी होती है, आदमी बड़ी तमन्नाओं से गाड़ी पैसा जोड़ जोड़ के लेता है, मगर चंद पैसे बचाने के लिए, 2-5 हज़ार रुपये बचाने के लिए वो किसी भी इंस्टॉलर के पास अपनी गाड़ी दे देता है, इसमें सीएनजी लगा दो। इंजन दिल होता है गाड़ी का, अगर इंजन ख़राब हो गया या इंजन सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो गाड़ी आपकी सही नहीं चलेगी, और आप किसी भी अनाड़ी आदमी के हाथ कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी का दिल उसके हाथ में दे देते हो कि भाई जो मर्जी कर ले उसके साथ। तो देखिए इनिशियली आप प्लीज़ जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाएं तो
दो चार पांच हजार बचाने की ना सोचो, क्योंकि वो दो चार पांच हजार रुपए बहुत जल्दी आप रिकवर कर लोगे। अगर आपकी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत स्मूथ अगर परफॉर्म कर रही है, तो वो जो फ्यूल एफिशिएंसी में आपको बचत होगी, उससे आप वो सारा पैसा आराम से रिकवर कर लोगे। मगर अगर आपने दो चार पांच हजार रुपए का मुंह देखा, किसी गलत आदमी के हाथ में दे दी गाड़ी, गाड़ी ठीक परफॉर्म नहीं करी, सुबह शाम उसके चक्कर काटोगे वो अलग, ऑफिस से कॉलेज से बिजनेस से छुट्टी मारोगे वो अलग, ठीक है, और वो आपको सही से एंटरटेन नहीं करेगा, गाड़ी का बेड़ा गर्द हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो भाई मेरा हमेशा लोगों से सजेशन है, हमेशा अच्छी जगह से, रेपुटेटेड जगह से आप सीएनजी लगाओ। जहां आपका दिल ठुकरा हो ना, वहां से सीएनजी लगाओ। दो चार पांच हजार रुपए के लिए जिस बंदे पे आपका दिल ठुकरा उसको मत छोड़ो, क्या पता इन दी एंड आपको उसी के पास जाना पड़े अपनी गाड़ी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए, चाहे वो लंबा ट्रेवल करना हो या एक्स्ट्रा पैसा देना हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में फिटिंग तो आपने देख ही ली पहले किस तरह से हुई हुई थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने जब इसमें काम किया है वो क्या किया है। उसके बाद ओनर से पूछेंगे कि भाई तीन दिन में, मात्र तीन दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें वहां से यहाँ इतनी दूर हमारे पास आना पड़ा, और जो हमने काम किया वो उनको कैसा लगा, और गाड़ी में क्या ये सब काम होने के बाद कुछ बदलाव आया है कि नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने इस गाड़ी में किया है। तो ये है अब इस गाड़ी का इंजन बे, आप देख सकते हो पहले के मुकाबले अब में कितना जमीन और आसमान का फर्क है इंस्टॉलेशन में। पहले एक इंजेक्टर रेल यहाँ लगी थी और दूसरी इंजेक्टर रेल यहाँ लगी थी, यहाँ पे छेद कर रखे थे सीएनजी के लिए, चार छेद यहाँ थे, चार छेद वहां थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आप खुद सोचो ना कि सीएनजी किस तरह से ट्रेवल होगी आपकी गाड़ी के मैनिफोल्ड में, आधी सीएनजी पीछे की तरफ जा रही है, आधी सीएनजी आगे की तरफ जा रही है, कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई एक सिंक्रनाइजेशन ही नहीं है। तो अब हम लोगों ने दोनों इंजेक्टर रेल्स ऊपर लगा दिए, प्रॉपरली सीएनजी पंप हो रही है, साथ में एक सीएनजी फिल्टर भी लगा दिया। पहले आपने देखी थी वायरिंग किस तरह से हुई हुई थी, पूरी वायरिंग बस टेप मार रखी थी, अब हमने प्रॉपरली ट्रिपल लेयर इसमें वायरिंग की है। पहले ईसीएम आपने देखा था पीछे की तरफ टंगा हुआ था, अब हमने जो ईसीएम लगाया है प्रॉपरली पीछे ब्रैकेट बना के तरीके से लगाया है कि वो ना हिलेगा ना डुलेगा। साथ में हमने इसके ये डायनामिक एडवांसर भी लगाया है। इस गाड़ी में कोई एडवांसर नहीं लगाया गया था, जो इंस्टॉलर थे उनका कहना यह था कि अगर आप इसमें एडवांसर लगाते हो तो आपकी गाड़ी के तार काटने पड़ेंगे, जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। देखिए जब उस बंदे ने यहाँ इंस्टॉलेशन किए थे, इंजेक्टर के आठ तार काटे थे, अगर वो कपलर टू कपलर करता तो हम समझ सकते कि भाई वो जीरो वायर कटिंग वाली इंस्टॉलेशन करना चाह रहा है, मगर उसने इंजेक्टर्स के आठ तार काटे थे तो फिर एडवांसर लगाने में क्या दिक्कत थी। देखिए एडवांसर के साथ भी एक स्टोरी है, बहुत से इंस्टॉलर्स क्या कहते हैं कि भाई एडवांसर इसकी ज़रूरत नहीं है, या आपकी आठ इंजेक्टर की गाड़ी है इसमें ज़रूरत नहीं है, या आठ इंजेक्टर वाली किट लगाई इसमें ज़रूरत नहीं है, या 1200 सीसी की है, या तीन सिलेंडर है, या एक्स वाई जेड, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और आप उसको बोलते हो नहीं मुझे एडवांसर चाहिए, आपके फोर्स करने पे वो अगर एडवांसर लगा भी देता है तो वो नहीं काम करेगा सही से, क्योंकि वो जानता ही नहीं उसको लगाना कैसे है और लगाने के बाद ट्यून कैसे करना है। अब ये जो एडवांसर इसमें लगा, ये स्विफ्ट में भी लग सकता है, वैगन आर में भी लग सकता है, होंडा सिटी में भी लग सकता है, इसका ये थोड़ा ना कि इसको टांग दिया और ये चल पड़ा, इसको ट्यून करना पड़ता है पर्टिकुलर गाड़ी के हिसाब से। तो आप जब भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाएं, एक तो कॉन्फिडेंट बनना होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे, मैं ये कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। और वही बात दोबारा रिपीट करूंगा, दो चार पाँच हज़ार का मुंह मत देखो। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि भाई आपके में और दूसरे के काम में क्या फ़र्क है। ये जो सीएनजी किट है ना, एक डब्बे में आती है और एक सिलेंडर आता है, सिर्फ सिलेंडर से और सीएनजी किट से गाड़ी नहीं चलती, साथ में सपोर्टिंग बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, आपके टेक्नीशियन कैसे हैं, आपने नए नए लड़के भर्ती कर रखे हैं और वो सीएनजी किट लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही करेंगे, एक इंजेक्टर रेल यहाँ, एक इंजेक्टर रेल वहाँ, कहीं भी सुराख मार दिए गाड़ी का बंटाधार। आपके पास टेक्नीशियन अच्छे होंगे, उनको पता है हर गाड़ी के बारे में प्रॉपरली, तभी आपकी गाड़ी में वो अच्छा काम करेंगे। दुकानदार काम नहीं करता, या दुकान का नाम काम नहीं करता, या जो सर्विस सेंटर है उसका नाम काम नहीं करता, जो टेक्नीशियन होते हैं वो काम करते हैं। तो टेक्नीशियन आपके पास कैसे हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, अगर टेक्नीशियन ढीले हैं तो गाड़ी आपकी ढीली ही चढ़ेगी। तो खैर सारा काम हो चुका है, अब गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है वो बताएंगे हमारे सर। तो सर आपकी गाड़ी में तीन दिन हुआ है मात्र, यहाँ पे प्लेट में भी लिखा हुआ है 30/4/2024। तो सिर्फ तीन दिन में ऐसा क्या हुआ जो आप वहाँ से यहाँ आ गए इतनी दूर? सर तीन दिन में मेरे पूरे के पूरे दिन, तीन दिन तो ऐसे ही ख़राब हो गए, ना काम
रोज सुबह को जाना और शाम को वापस आना, ना कुछ काम धंधा चौपट सब बेकार हो गया था मेरा। और इतनी दिक्कतें कहते कुछ थे, वो होता कुछ था। और गाड़ी में इंजन लाइट शो हो गई, इतनी दिक्कतें चालू हो गई, ना पिकअप ना एवरेज, मतलब क्या बताऊँ, इतना परेशान हो गया। झटके वटके मार रही होगी, खूब झटके और खूब मतलब इतनी दिक्कत हो गई थी कुछ कहने की मैं बयान नहीं कर सकता। जब परेशान हो गया तो मुझे पता था कि जुबी भाई हमारे हैं एक्सपर्ट, उस्तादों के उस्ताद हैं। बाय गॉड ग्रेस आपका आपसे कांटेक्ट हो गया, तो जैसे आपने कहा और वैसे आपने काम कर दिया और मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इतना अच्छा काम तो शायद ही कोई कंपनी फिटेड भी, मुश्किल लगता है कि इतना अच्छा काम कंपनी फिटेड कोई टेक्नीशियन भी ऐसे इसको फिट कर सकता था। और थैंक यू। तो अब जो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस था बेसिकली, वो आपसे क्या कहते थे कि भैया ऐसी चलेगी, एडवांसर नहीं लगेगा, क्या कहते थे? तो एडवांसर के बारे में तो कहते थे कि फ्रेंच शाफ्ट की वायरिंग वायर कटेगी, एडवांसर नहीं लगवाना चाहिए बिल्कुल भी। और अब जो सिचुएशन है वो तो मैंने महसूस कर ही ली, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया है वो शायद पेट्रोल पे भी कितना अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत अच्छा काम किया है जुबी भाई आपने। और मैं चाहूँगा कि ना हर बंदा 2-4 हज़ार रुपये के लालच में किसी और के पास ना जाए, जुबी भाई के पास आए, ताकि जो मैं बेवकूफ़ बना कोई और ना बन पाए। देखो सर, बेवकूफ़ बनने की बात नहीं है, मेन है सफरिंग। आपने पैसा खर्चा किया ना, अब आपने पैसा खर्च करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई मैंने आज सीएनजी लगाई, मेरी गाड़ी मस्त चलनी चाहिए। थोड़े बहुत ट्यूनिंग का इशू आ जाए चलो वो समझ आता है, बट बंदे आपको ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें एडवांसर नहीं लगेगा, मत लगाना, तार कटेगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये बाहर से आता है, पोलैंड से आता है ये एडवांसर, ठीक है, या कोई भी किट का कोई भी पार्ट है, दबा के लग रहे हैं, दबा के चल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, ये एडवांसर नहीं लगेगा तो आप गाड़ी चला लोगे? आप जब भी गाड़ी में बैठोगे नाक मुंह बना के बैठोगे, अबे यार बेकार ही चलेगी। अब आप खुशी तो अपनी गाड़ी में चलाओगे, यार मेरी गाड़ी मस्त है, मैं कभी भी कहीं भी मुंह उठा के जा सकता हूँ, चाहे पहाड़ों पे जाऊँ चाहे रेगिस्तान में जाऊँ, मुझे सोचना नहीं है कि यार मेरी गाड़ी वहां नहीं चलेगी, टेंशन फ्री आ जाता। तो ये जो दिमाग में लोग घुसा देते हैं ना कि नहीं 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 एडवांसर नहीं चलेगा, एडवांसर की जरूरत नहीं है, या तार कटेगा, तार तो कटेंगे भाई, नॉर्मल एडवांसर लगता तो भी कटते हैं, किट भी लगती है तो भी कटते हैं। तो इस जो ये लोग मिसगाइड करते हैं ना, इस मिसगाइडेंस से हट जाओ। बंदों को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो काम नहीं करना चाहते, वो मना कर देते हैं नहीं नहीं, क्योंकि इसे सेट करना पड़ता है, इसको सेट करना हर किसी के बस की नहीं है, अगर ये ठीक से सेट नहीं होगा तो तंग करेगा, समझ रहे हैं आप? तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। और जैसे सर ने बोला 2-4-5 हज़ार का मुंह मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ, आपको जिस पे यकीन है, जिस पे ट्रस्ट है, उसका पीछा मत छोड़ो सिर्फ 2-4-5 हज़ार रुपए के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात? तो सर अब सेटिस्फाइड है, बहुत बढ़िया से अब इनकी गाड़ी में इंस्टॉलेशन हो गया, होपफुली ये गाड़ी सालों साल यूं ही स्मूथ चलेगी बिना किसी परेशानी के, बढ़िया एवरेज भी देगी। अगर गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी ना तो एवरेज भी नहीं देगी, क्योंकि बंदा फिर पंजा दबाता है गाड़ी को दौड़ाने के लिए। अब क्या है, हल्का सा टैप किया गाड़ी रवानगी से उठेगी, तो ट्यूनिंग अगर अच्छी है, गाड़ी स्मूथ चल रही है, तो आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। तो खैर सर अब सेटिस्फाइड हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया और बाकी वीडियोज़ में भी बहुत सारी मैं लेक्चर देता हूँ, वो कुछ समझ आया होगा। और सर सैटिस्फाइड, हम सैटिस्फाइड, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ रही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना।